भाई, आपके ख्याल में ये जिम की टिपिकल ट्रेनिंग्स या टिपिकल बॉडी बिल्डिंग के वर्कआउट्स, ये इनको करके या इन्हीं को कंटिन्यू रख के जो है एक प्लेयर अच्छा आर्म रेसलर भी बन सकता है या नहीं? अच्छा, इसमें मैं ये कुछ ऐड करना चाहूँगा चीज़ें कि जो आर्म जो बॉडी बिल्डिंग है ना, और बॉडी बिल्डिंग का जो मेथड है और मसल बिल्डिंग है, ये आर्म रेसलिंग से टोटल डिफरेंट है। एक इनिशियल बंदा जो है ना, जो स्टार्ट करता है, उसके लिए किसी हद तक 20-30% तक जो है ना बॉडी बिल्डिंग उसको सपोर्ट करती है, बॉडी बिल्डिंग का मेथड उसको सपोर्ट करता है। अदरवाइज आर्म रेसलिंग टोटल डिफरेंट गेम है। बॉडी बिल्डिंग में हम जनरली जो है सारे वो एक लीनियर लोडिंग का फॉर्मेट यूज़ कर रहे होते हैं कि जैसे एक आपने एक्सरसाइज की, अगली दफ़ा वेट बढ़ाया, उससे अगली दफ़ा वेट बढ़ाया, उससे अगले सेट पे फिर वेट बढ़ाया। जबकि ये आर्म रेसलिंग जो है ना, ये एक एज ए स्पोर्ट्स है, और एक एथलीट जो है वो अपनी पूरी मूवमेंट दे रहा है। अगर हम आइसोलेशन के अंदर एक एक अलहदा मसल की आर्म बॉडी बिल्डिंग की तरफ की तरह ट्रेनिंग करेंगे ना, तो हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो जॉइंट्स की और मसल की और ये सारा जो एक इकट्ठा पावर लगती है ना, वो हम उसको डेवलप नहीं कर सकते जल्दी। वो डेवलप इस पर मुख्तलिफ जो है वो ओपिनियंस है। कुछ लोग स्टार्ट इक्विपमेंट से करते हैं और टेबल पर उसकी जो इक्विपमेंट पर उन्होंने पावर बनाई होती है, टेबल पर उसकी प्रैक्टिस करते हैं और अपनी टेक्निक को अच्छा करते हैं। दूसरा ये कि बॉडी बिल्डिंग मेथड जो है वो लीनियर लोडिंग के थ्रू वो अपने वेट को बढ़ाते हैं और मसल को डेवलप करते जाते हैं। इसमें टेंडन्स को भी डेवलप करना है आपने, ठीक है, और आपने अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे मैं कोई बैक प्रेशर कर रहा हूँ, बैक प्रेशर की मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं 60 kg पे आके ब्लॉक हो गया हूँ। मेरे से अब 60 kg नहीं लग रहा, 61 नहीं लगता मेरे से। अब उसका ये तरीका नहीं है कि मैं बॉडी बिल्डिंग की तरह शुरू हो जाऊँ और फिर दोबारा से शुरू करूँ। जो ओवरऑल वर्ल्ड में जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की रिसर्च हुई है ना, या रिसर्च हुई है जो मैंने पढ़ी है, तो उस पर मैं एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ, वो ये है कि वो कहते हैं कि आपका आर्म रेसलिंग का फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइजेज आपने चूज़ की, आपने एक साइकिल बना लिया कि मैंने ये एक्सरसाइज, जैसे बॉडी बिल्डिंग में एक वीक में आप सारे मसल्स की ट्रेनिंग करते हो, पूरा आपका साइकिल होता है, मंडे से आप फिर से दोबारा वो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो। सेम एज इट इज़ आर्म रेसलिंग का भी इसी तरह ही एक ट्रेनिंग फॉर्मेट है कि एक दिन बैक प्रेशर है, एक दिन साइड प्रेशर है, एक दिन कपिंग की है, फिंगर्स की है, ये सारी एक्सरसाइजेज का एक फॉर्मेट बन गया आपका। आपने वो अपनी ट्रेनिंग चूज़ कर ली है कि यार मैंने अपनी मूव के मुताबिक ये वाली ट्रेनिंग मुझे सूट करती है, ठीक है। अब आगे जी आप उस पर वेट लिफ्ट खींचना पुल करना शुरू करते हैं, आपको पता लगता है कि यार आप 30 kg या 60 kg पे जाकर आप ब्लॉक हो गए, अब आपसे नहीं हो रहा, यही लिमिट है। जैसे यही लिमिट है। अब ये लिमिट हमारी क्या थी कि हम बॉडी बिल्डिंग की मैथडोलॉजी को लेकर चल रहे थे और वहाँ रुक गए। और आपने देखा होगा कि अगर 60 मैक्सिमम लिमिट 60 kg है ना, तो वो 6-6 महीने वही लिमिट रहती है, वही लगाते रहते हैं और फिर 6 महीने के बाद भी बड़ी कोई पीक फॉर्म आती है तो पता चलता है जी वो 70 kg उसने लगा लिया एथलीट ने और पता चला कि ये, जबकि ऐसे नहीं है। वो एक जो आपका ट्रेनिंग साइकिल जो था एक वीक का, जनरली बॉडी बिल्डिंग में एक वीक होता है, आर्म रेसलिंग में एक वीक नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये बहुत बड़ी गलती है जो मैं भी करता रहा हूँ, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इंजर ही रहा हूँ इस वजह से कि मैं इतना इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा था कि 5 days a week में ट्रेनिंग ही करता जा रहा था। जबकि आपको एक वो मैं आपको फॉर्मेट इसका बाद में बताता हूँ, लेकिन तरीका इसका ये था, जो आपका एक हफ्ते का या 10 दिन का एक आपका आपने ट्रेनिंग डिसाइड कर ली कि मैंने 10 days में ये ट्रेनिंग कर रही है, वो आपका एक माइक्रोसाइकिल हो गया, ठीक है। आपने जनरली जो है वो वर्ल्ड में भी यही होता है कि 4 microcycles वो डिसाइड करते हैं कि जी मैंने 4 microcycles में फॉर एग्जांपल मैंने 60 kg पुल करना है बैक प्रेशर, ठीक है, यानी कि 4 microcycles 10 days के 40 days में 60 kg पुल करना है। अब उसका तरीका ये है कि वो पहला माइक्रोसाइकिल जो है ना, फॉर एग्जाम्पल अब मैं वार्म अप किया, कुछ वेट लगाते मैं 60 kg पे पहुंच गया। अब जो 60 kg का जो मेरा सेट था ना, मैंने फर्स्ट माइक्रोसाइकिल में उसके 2-3 sets लगाए। अब मेरा पूरा ये वीक ऐसे चला, हर ट्रेनिंग में मैं इसी तरह ही वेट का जो है ना वो सेट लगाता रहा,
अब मेरा नेक्स्ट माइक्रोसाइकिल आया, मैंने दोबारा से वो बैक प्रेशर की ट्रेनिंग शुरू की। मैंने वेट नहीं बढ़ाना, मैंने 60 केजी पे ही रहना है, लेकिन मैं सेट को इंक्रीज कर दूँगा, मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूँगा। मैं 3 सेट लगाए थे पिछले हफ्ते, पिछले फर्स्ट माइक्रोसाइकिल में, सेकेंड में मैं 4 सेट कर दूँगा, थर्ड माइक्रोसाइकिल में जाऊँगा जब मैं उसके 5 सेट कर दूँगा, मैं वेट नहीं बढ़ाऊँगा, मैं सेट बढ़ा दूँ, सेट बढ़ाऊँगा, 4 माइक्रोसाइकिल तक जाऊँगा। उसके बाद मैं जब मेरा, अगर ये 4 माइक्रोसाइकिल जो है, ये एक हमारा मैक्रोसाइकिल बन जाता है, यानी एक मैक्रो के अंदर कंबाइन हो गया, 4 माइक्रो आ गए, 4 माइक्रो है, और मैंने 60 केजी उठाया वेट, और मैंने हर माइक्रोसाइकिल में सेट को इंक्रीज किया। अब जब मैं नेक्स्ट मैक्रोसाइकिल में जाऊँगा, ये मेरा सेट कम्प्लीट होगा एक्सरसाइज, तब मैं वेट बढ़ाऊँगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसी तरह ही बेसिकली होती है, हम उसको जब करते रहते हैं तो हमारा जो है ना वो मसल इंजरी होता है, इंजरी का भी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि ये हैवी ट्रेनिंग्स भी हो रही होती है और इसमें जॉइंट्स और टेंडन सब कुछ यूज़ हो रहा होता है, तो जो सेट्स हैं ना उनके दरमियान जो इंटरवल, रेस्ट इंटरवल है, हम बड़ा कम लेते हैं, जबकि 3 से 5 मिनट तक का आप रेस्ट इंटरवल ले सकते हैं, ठीक है, ये भी हम कम करते हैं। दूसरी बात, तीसरी चीज़ ये कि एक पार्ट को रिकवर होने के लिए ना 48 आवर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हमें दोबारा उसकी ट्रेनिंग भी नहीं करनी चाहिए। अब आ जाए इसके हमारा फॉर्मेट कैसे आम रेसलिंग का होना चाहिए, तो हर बंदे का डिफरेंट फॉर्मेट है, उसकी मूव के मुताबिक है, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू, जैसे आम रेसलर है वो मंडे को आया है, मंडे को उसने अब उसने ये डिसाइड करना है कि उसकी बेस्ट बैक प्रेशर की 3 एक्सरसाइजेज कौन सी है। उसने आना है, उससे पहले वार्म अप करना है, और वार्म अप करके उसने 1.5 घंटा जो है ना वो ये 3 1.5 घंटा हो जाता है, एक एक्सरसाइज आधे घंटे तक चले जाती है, बीच में रेस्ट इंटरवल भी होते हैं 1.5 से 2 घंटे। तो उसने मंडे को अपना जो उसका फर्स्ट माइक्रोसाइकिल होगा वो बैक प्रेशर की ट्रेनिंग करेगा, ट्यूसडे को अब वो आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग नहीं करेगा, वो उसका रेस्ट डे है, अब वो उसके अंदर वो अपनी कोई बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग चूज कर सकता है जो उसको सपोर्ट कर रही हो। फॉर एग्जांपल वो अपना अपनी फिजिक ही बनाना चाह रहा है, तो वो अपना बेंच साथ चेस्ट और रिंग्स कर लें, ठीक है। अब इस तरह वेडनेसडे आ गया, वेडनेसडे को वो जो है वो अब उसने बैक प्रेशर की हुई थी पहले, वो अब कपिंग की एक्सरसाइज कर ले सारी, ठीक है, लेकिन सिर्फ वही करे। जैसे बॉडी बिल्डिंग का इसमें थोड़ा सा यहाँ से रिजेम्बलेंस ज़रूर है कि आपने एक बॉडी बिल्डिंग में बाजू की एक्सरसाइज की है, एक दिन आपने ये रखा है, आप उसकी चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं करते, नहीं करते, तो आपने सिर्फ उस दिन कपिंग की ही ट्रेनिंग करनी है और कोई ट्रेनिंग नहीं करनी। ये नहीं है कि आप कपिंग की ट्रेनिंग करते साथ पंजे भी लगाना शुरू हो जाए, तो वो ट्रेनिंग करें। उसके बाद थर्सडे आ गया, थर्सडे को आपने देखा आपने एक दिन पहले आप रेसलिंग की ट्रेनिंग की हुई थी, अब वो आपका रेस्ट डे है, ठीक है, वो रेस्ट डे में आपने जो है वो शोल्डर की कर लें और थाई की कर लें साथ, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इंटेंस ही ट्रेनिंग है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हो सकती है, इतना मसला नहीं है, ये कर सकते हैं, लेकिन 5 डेज के अंदर एक दिन आप बैक प्रेशर कर रहे हैं, अगले दिन आप कपिंग कर रहे हैं, उससे अगले दिन आप साइड प्रेशर कर रहे हैं, उससे अगले दिन आप जो है वो रोटेशंस की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगी। मेरा ये बिल्कुल नए जो पुलर था उनको तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो इस तरह करें, अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग को चूज़ करके कर रहे हैं ना, तो वो इस तरह इस फॉर्मेट में जाएंगे तो उनको बिल्कुल इंजरी हो जाएगी, और टाइम थके रहेंगे और वो टेबल पर भी पूरा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और दूसरा यही है कि ये जो फॉर्मेट आपको मैं बता रहा था इसी तरह ही है कि एक दिन आर्म रेसलिंग, एक दिन की ट्रेनिंग। अच्छा, ये जब सारा आपका इंटरवल पूरा हो गया, फिर उसके बाद एक दिन रेस्ट के बाद आप एक दिन टेबल कर लें, ठीक है, वो टेबल करें आप, और उसके बाद आपका माइक्रोसाइकिल कंप्लीट हुआ। 4 आप इसको स्लो एंड स्टडी लेके चलें, अपने मसल्स को, टेंडन्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें साथ एक्सरसाइजेज। बेस्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि आपने एक्सरसाइज चूज़ क्या करनी है। अगर आप कोई गलत एक्सरसाइज चूज़ कर रहे हैं ना, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप पहले ये देखें कि आप मूव कौन सी लगाते हैं, आप उस मूव के मुताबिक जो है वो अपना एक्सरसाइज को सिलेक्ट करें। उसके बाद ये है कि ये एक पूरा फॉर्मेट है, इसको स्टडी भी करें कि आपको लगता है कि आप इस पर जो है वो आप जो इम्प्लीमेंट करके आप अच्छे हो रहे हैं, नहीं तो आप अपनी एक्सरसाइज भी चेंज कर सकते हैं। और जिस दिन आपका आर्म रेसलिंग का दिल है, आप खुल के आर्म रेसलिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपका जो है वो टेबल एक्सपीरियंस भी बढ़े, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइजेज आपको ताकत तो दे रही है,
लेकिन जो फोर्स अप्लाई कर रही है आपने वो आपने टेबल पर ही, वो आपने टेबल पे कर रही है और वो आपने कंप्लीट आपने जिस तरह करना है वो उसी। अगर आप स्लो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप यकीन माने कि आप मैच के अंदर आपका माइंड जो है ना वही मेमोरी रख के चल रहा होगा, स्लो चल रहा होगा। आपने स्पीड की भी ट्रेनिंग करी है, एंड्योरेंस के साथ स्ट्रेंथ के साथ स्पीड की भी ट्रेनिंग करी है।